ब्लॉगिंग के थ्रू भी बहुत लोग न्यूज़ कम्युनिकेट करते हैं, न्यूज़ भी नहीं कुछ अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको आप ढंग से कितने अच्छे से आप बता पा रहे हो, तो ये तभी हो सकता है व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग. न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, व्लॉग्स देखोगे, ऑनलाइन पे भी न्यूज़ देखोगे या आप टेलीविजन भी देखोगे या रेडियो भी देखोगे, उसमें भी सबसे जो उसका हॉट, सबसे जो एक्स फैक्टर होता है आपके न्यूज़ का, एक्स फैक्टर मीन्स ऐसा कुछ जो आपकी न्यूज़ को दूसरे की न्यूज़ से डिफरेंट बनाए या आपके आर्टिकल को दूसरे के आर्टिकल से डिफरेंट बनाए, कुछ ऐसा क्रिएटिव पॉइंट या कुछ, अगर एक्स फैक्टर कुछ उसमें जैसे जैसे अभी आप लोगों ने HES का बताया, तो उसमें खली उसका एक्स फैक्टर, ठीक है, सो उसको आपने सबसे ऊपर हाईलाइट किया. और बाकी तो आपका राइटिंग स्टाइल तो था 5 W's एंड गॉट एन H, वो तो चलता ही है, ठीक है. सो दिस इज द राइटिंग स्टाइल व्हिच इज नाउ प्रिवेलेंट. आप किसी भी मास मीडिया में जाओगे या एनी वेयर, मास मीडिया में सिर्फ प्रिंट मीडिया नहीं आता है, ऑनलाइन मीडिया भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आता है, ऑनलाइन मीडिया में ब्लॉग्स भी आते हैं, ब्लॉग्स भी आते हैं, ये सब कम्स इन मास मीडिया. सबका आपकी जो पीजी है सबका इंटरेस्ट एरिया डिफरेंट होता है. जब कोई न्यूज़पेपर रीड कर रहा होता है, जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट पेज ही पढ़े, हो सकता है कोई लास्ट एक कलरफुल सा पेज आता है जिसमें एक बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, अगर आप लोग दो पेजेस होती तो आप बॉलीवुड न्यूज़ पे आ रहा,